हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू प्रेपराइज ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि 17 नवंबर को हमारा पटवारी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो इससे पहले क्या था कि हमने पटवारी की क्लासेस बंद कर दी थी। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे कि पटवारी के जो मॉक टेस्ट दोबारा से शुरू किए जाएँ, आज हम दोबारा से जो है पटवारी के मॉक टेस्ट लेकर आए हैं आपके लिए। तो उसमें 15 या 20 क्वेश्चन होंगे आपके पास मॉक टेस्ट में, तो वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। मैं भी इन क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और साथ ही साथ आप भी मेरे साथ उन क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज का सेशन है हमारा मॉक टेस्ट, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका पार्टनरशिप वाले चैप्टर से, ठीक है। इसमें क्या है कि दो पार्टनर्स है आपके पास, एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स हैं। अब बोलता है कि एक्स कंट्रीब्यूट्स 1/4 ऑफ देयर कैपिटल फॉर 15 डेज, फॉर 15 मंथ्स, एंड वाई रिसीव्ड 2/3 ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। वाई क्या करता है, 2/3 प्रॉफिट रिसीव करता है। अब नेक्स्ट बोलता है फॉर हाउ लॉन्ग वाई मनी वॉज यूज, कि वाई का जो पैसा है वो कितने टाइम के लिए यूज हो रहा होगा, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, क्या अप्रोच रहेगी इस क्वेश्चन को करने की, देखते हैं। पहले क्या बताया गया हमें कि एक्स जो है वो टोटल कंट्रीब्यूशन में, ठीक है, जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई है, ठीक है, बिजनेस में जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई है उसमें 1/4 इन्वेस्टमेंट कितनी है, किसकी है हमारे पास, एक्स की, ठीक है। तो अगर एक्स की जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, अगर एक्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो 1/4 है, ठीक है, टोटल में से अगर 1/4 जो एक्स ने इन्वेस्ट किया है तो वाई ने कितना इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है, 1/4 इसने किया तो वाई ने कितना किया होगा, 3/4, ठीक है, 3/4। अब इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो कितनी बनी हमारे पास, ठीक है, एक्स की इन्वेस्टमेंट रेशियो वाई की इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इनकी रेशियो क्या बन रही है यहां से हमारे पास, ये बन रही है 1/4 रेशियो 3/4, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो इन्वेस्टमेंट की रेशियो आ गई हमारे पास 1:3, ठीक है, कि इस रेशियो में पैसा जो वो इन्वेस्ट किया होगा एक्स और वाई ने, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें एक और चीज क्या दी हुई है स्टेटमेंट, इनके प्रॉफिट, कि बी ने जो है बी को कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 2/3, ठीक है, टोटल प्रॉफिट का 2/3 किसको मिल रहा है, बी को, अब सॉरी बी नहीं यहां पे क्या है, वाई को, ठीक है, वाई को, तो वाई को कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 2/3, ठीक है। अगर वाई को 2/3 प्रॉफिट मिल रहा है तो एक्स को कितना मिल रहा होगा, 1/3, ठीक है। अगर y को टोटल का 2/3 मिल रहा है तो x को 1/3 मिल रहा होगा। x 1/3 कैसे आया, टोटल प्रॉफिट 1 आ गया आपके पास, ठीक है, टोटल प्रॉफिट 1 होगा, तो 1 में से अगर आप y का प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो आपके पास x का प्रॉफिट आ गया, ठीक है। ये आ गई इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो, यहां से हमारे पास आ जाएगी इनकी प्रॉफिट की रेशियो। तो प्रॉफिट की रेशियो कैसे निकालेंगे हम, ठीक है, यहां से हमारे पास आई प्रॉफिट की रेशियो कितनी आ गई, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो प्रॉफिट की रेशियो आ जाएगी आपके पास 1:2, कि जो प्रॉफिट बंटेगा वो कौन सी रेशियो में बंटेगा, इस रेशियो में, इन्वेस्टमेंट है आपकी इस रेशियो में। फाइंड क्या करना है हमको, टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है, टाइम फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखिए, जब हमने पार्टनरशिप किया था तो उसमें हमने किस तरह से पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन किए थे, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्स ने कितने रुपये इन्वेस्ट किए, 1:1, कितने टाइम के लिए, 15 महीने के लिए, ठीक है, कितने टाइम के लिए, 15 महीने के लिए। वाई की इन्वेस्टमेंट कितनी है, 3, कितने टाइम के लिए, हमें नहीं पता हमने फाइंड आउट करनी है, लेकिन जो प्रॉफिट आएगा वो कौन सी रेशियो में आएगा, 1:2 में, प्रॉफिट जो आएगा वो कौन सी रेशियो में आएगा, 1:2 में। तो यहां से क्या बना आपके पास, 15 / 3x = 1/2, और यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू आएगी आपकी 10, ठीक है। तो y ने कितने टाइम के लिए जो वो पैसा इन्वेस्ट किया होगा, तो आंसर आ गया आपका 10 मंथ्स के लिए, ठीक है, आंसर क्या आ गया आपके पास, 10 मंथ्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका पार्टनरशिप वाले ही चैप्टर से है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका कहाँ से है, पार्टनरशिप वाले चैप्टर से है। इसमें क्या बताया गया है कि ए बी सी हमारे पास 3 पर्सन हैं, ठीक है, एक बार खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को कि कैसे होगा ये क्वेश्चन, है ना, आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, ठीक है, तो उसमें ए का कंट्रीब्यूशन कितना है, 10,000 रुपये,
ठीक है। ए ने 10,000 रुपये जो है वो क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। नेक्स्ट आपको बोला है कि जो टोटल प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 1,000 रुपये, ठीक है। टोटल प्रॉफिट आपको 1,000 रुपये हुआ है, तो उसमें से 500 रुपये ए को मिला, ठीक है, 300 रुपये बी को मिला, तो आपको क्या निकालना है, सी की कैपिटल निकालनी है। कैपिटल मीन्स सी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है। तो मैंने आपको पार्टनरशिप में बताया था कि जिस रेशियो में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, है ना, जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट करते हैं हमें प्रॉफिट भी उसी रेशियो में ही डिवाइड होता है, ठीक है। जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी रेशियो में आपका प्रॉफिट भी डिवाइड होता है। और इन्वेस्टमेंट की रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम जो सबका सेम है, टाइम जो सबका सेम है, तो जो रेशियो इन्वेस्टमेंट की होगी वही रेशियो क्या होगी आपके पास, प्रॉफिट की होगी। या हम बोल सकते हैं कि जो रेशियो प्रॉफिट की होगी वही रेशियो आपकी इन्वेस्टमेंट की होगी, ठीक है। तो अब आपको क्या बोला है कि प्रॉफिट कितना है, टोटल 1,000 रुपये प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 1,000 रुपये, ठीक है। 1,000 जो आपको टोटल प्रॉफिट हुआ है, इसमें से 500 रुपये किसको मिल रहा है, ए को मिल रहा है, 300 रुपये किसको मिल रहा है, बी को मिल रहा है, तो बाकी का जो 200 रुपये बचा होगा वो किसको मिलेगा, सी को। मींस इनकी प्रॉफिट की रेशियो क्या आ जाएगी, अब हमारे पास यहाँ से प्रॉफिट की रेशियो आ जाएगी 5:3:2। अगर टाइम सेम है, टाइम सेम है, तो ये जो प्रॉफिट की रेशियो आई इसी रेशियो में जो इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है। तो आपको दिया गया क्वेश्चन में कि ए ने कितना इन्वेस्ट किया है, 10,000 रुपये, रेशियो में कितना इन्वेस्ट किया होगा उसने, 5:5। तो हम बोल सकते हैं कि ये 5:5 जो है वो इन्वेस्टमेंट में 10,000 के इक्वल है, ठीक है। ये ए की जो रेशियो है 5, है ना, अगर ये 500 के इक्वल है यहाँ पे प्रॉफिट में, तो इन्वेस्टमेंट में ये 5 किसके इक्वल होगा, 10,000 के इक्वल। तो ए किसके इक्वल होगा, 2,000 के, ठीक है। अगर 5:5 जो है वो 10,000 के इक्वल है, तो 1:1 किसके इक्वल होगी, 2,000 के इक्वल, ठीक है। 1:1 किसकी इक्वल होगी, 2,000 के इक्वल। पूछा क्या गया आपसे, सी की कैपिटल की, सी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, तो सी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, अगर 1:2,000 के बराबर है, तो 2:1 किसके बराबर होगी, 2×2,000=4,000, ठीक है। मतलब सी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया होगा, 4,000 रुपये। वहीं अगर बी से पूछा होता, तो बी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, 6,000 रुपये, ठीक है। ये इनकी क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ से आपके पास, राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ से, राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है आपके पास। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पार्टनरशिप वाले चैप्टर से ही है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। इसमें क्या है कि खुद से करने की कोशिश कीजिए एक बार, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन शायद हमने किया भी है जब हमने पार्टनरशिप वाला जो चैप्टर डिस्कस किया था उस टाइम, ठीक। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इसमें क्या, एक सिमरन है ना, वो क्या कर रही है कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाती है वो, ठीक है। तो उसने क्या किया, उस सॉफ्टवेयर कंपनी के बिजनेस में 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। कंपनी में उसने कितना, 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिया। 6 महीने के बाद एक पर्सन आया, नंदा, ठीक है, एक पर्सन आया नंदा, उसने जो है वो कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है, 80,000 रुपये, ठीक है। कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है, 80,000 रुपये। अब बोलता है कि 3 साल के बाद उनको इतना प्रॉफिट हुआ, कितने साल के बाद, 3 साल के बाद उनको कितना प्रॉफिट हुआ, 24,500 रुपये। तो व्हाट वाज सिमरन्स शेयर इन द प्रॉफिट, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, खुद से कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ठीक है। पार्टनरशिप का बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, जल्दी से, ठीक है, 15 सेकेंड्स के अंदर आपका जो आंसर आ जाना चाहिए। आई होप कि आपने अपने कमेंट्स जो वो कमेंट सेक्शन में डाल दिए होंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब आपको क्या बोला गया है कि सिमरन है, एक है आपके पास सिमरन और एक पर्सन है आपके पास नंदा, ठीक है। एक पर्सन है सिमरन, एक पर्सन है नंदा, इन्वेस्टमेंट निकालेंगे हम इनकी, ठीक है। सिमरन ने क्या किया, 50,000 रुपये इन्वेस्ट किया, ठीक है। नंदा ने कितना इन्वेस्ट किया है सॉफ्टवेयर बिजनेस में, 80,000 रुपये, ठीक है। ये तो आ गई इनकी इन्वेस्टमेंट, लेकिन कितने कितने टाइम के लिए किया इन्होंने, ठीक है। आपको प्रॉफिट जो मिल रहा है वो 3 साल के बाद मिल रहा है, मींस सिमरन ने पूरे 3 साल के लिए क्या किया होगा, इन्वेस्ट किया होगा। मंथ्स में बात करें हम तो 36 मंथ्स के लिए, ठीक है,
मंथ्स में बात करें तो सिमरन ने 36 महीने के लिए 50,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, वही नंदा जो है वो 6 महीने के बाद आया था, ठीक है, 6 महीने के बाद आया था, मींस इसने जो है वो सिर्फ 30 महीने के लिए जो वो पैसा इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है। तो इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो क्या आएगी, 40 से 40 कैंसिल, है ना, 5 और ये 6 से कट गया, ठीक है, 6 5 36 6 6 36, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 और 4, मींस इनकी जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो आई अब वो कितनी आई, 3:4, ठीक है, कि 3 पार्ट जो वो सिमरन ने इन्वेस्ट किया होगा तो 4 पार्ट नंदन ने इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है। तो जिस रेशियो में इनकी इन्वेस्टमेंट है उसी रेशियो में ये प्रॉफिट भी क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना आपके पास, 24,500, इस रेशियो में डिवाइड करना है, कैसे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, निकालना क्या है हमको, सिमरन का शेयर, सिमरन की रेशियो कितनी है, 3 × 3, ठीक है। ये टोटल प्रॉफिट किस रेशियो में बंटेगा, इस रेशियो में, तो हमने क्या कर दिया, इनको ऐड कर दिया 7 से, निकालना किसका शेयर है हमें, सिमरन का, सिमरन की रेशियो क्या, 3, तो हमने 3 से क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अगर नंदा की आपको शेयर निकालना होता तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, ये आ गया आपका 3500 × 3, ये आ जाएगा आपके पास 3500 × 105, और ये आ गया आपके पास 10,500, कि प्रॉफिट में से 10,500 रुपये किसको मिलेगा, सिमरन को मिलेगा, ऑप्शन बी यहां से आपके पास राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, ये आपका ज्योमेट्री से है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या आपको बोला गया है कि आपको एक ट्रायंगल दिया, आपको कौन सा ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। क्यों राइट एंगल ट्रायंगल, क्यों, क्योंकि इसका एक एंगल जो है 90 डिग्री का है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, आपको क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया दिया है, और आपको फाइंड क्या करना है, इसकी साइड्स फाइंड आउट करनी है, तीनों साइड्स, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, ठीक है, आधार, लंब, है ना, और हाइपोटेन्यूस, तीनों क्या करनी है आपको, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ठीक है, क्योंकि आपको एरिया दिया हुआ है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है आपके पास 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, आधार बटे आधार गुणे जो लंब होता है हमारे पास, या जो ऊंचाई होती है, ठीक है, ये होता है हमारे पास ट्रायंगल का एरिया। कितना दिया आपको ये, 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 400 मीटर स्क्वायर, 1/2 हमको बेस कितना दिया हुआ है, एक्स, हाइट कितनी दी है हमको, 2x, कितना आ गया आगे, ये 400, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सॉरी, ठीक है, 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से आपके पास x स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 400, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 20, ठीक है, माइनस का 20 निगलेक्ट हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 20, मींस इसका जो बेस है वो है आपके पास 20 मीटर, ठीक है, और इसका जो परपेंडिकुलर आएगा वो कितना आएगा, अगर x 20 है तो ये कितना आ जाएगा 40 मीटर, ठीक है, मींस एक साइड आ गई 20, एक साइड आई गई 40, आपको क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस कैसे निकालते हैं हम, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड्स दिए हैं तो तीसरी साइड कैसे निकालेंगे हम, बाय द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, यही बोलती है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से क्या आ जाएगा, बेस कितना आपके पास 20 का स्क्वायर + 40 का स्क्वायर, इनको जब ऐड करोगे तो यह आ जाएगा आपके पास 400 + 1600 = 2000, ठीक है, एच स्क्वायर कितना आ गया आपके पास 2000, और जब आप यहां से हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगी आपके पास 20√5, कितनी आ जाएगी वो 20√5 मीटर, ठीक है। तो तीनों साइड्स आ गई हमारे पास, एक 20 मीटर है, एक 40 मीटर है, एक 20√5 है, ऑप्शन में चेक कीजिए कहां पे है, ये पहला ऑप्शन नहीं होगा, 20-40 ये रही है आपके पास, ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका यहाँ से राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो गया आपके पास राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इन द गिवन इक्वेशन। ठीक है, इसमें आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं। ठीक है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं और आपको क्या बोला है कि आपको एक्स और वाई के बीच का क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है तो हम रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये चीज हम पढ़ चुके हुए हैं। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है कि रूट्स फाइंड आउट करने हैं दोनों के। ठीक है, दोनों इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, 12x² - 40x + 32। रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, कि इन दोनों का जो है ना, इन दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जो प्रोडक्ट आएगा, दो रूट ऐसे निकालने हैं जो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो और उनका सम जो है वो 40 के इक्वल हो। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले 12 और 32 के रूट्स निकाल लीजिए। 12 के रूट्स होते हैं हमारे पास 3 × 6 × 12। ठीक है, 32 के रूट्स होते हैं हमारे पास 2 × 2 × 16 = 32। ठीक है, ये आगे रूट्स है ना। अब इन रूट से आपने क्या बनाना है, 40 बनाना है। तो 40 कैसे बनेगा, 3 × 6 = 12 = 24। ठीक है, ये आ गया 24, ये आ गया आपके पास 16। तो रूट क्या आ गया आपके पास, एक आ गया आपके पास 24 और एक आ गया आपके पास 16। ठीक है, दो रूट हो गए आपके पास 24 और 16। मैंने आपको कहा था कि इक्वेशन को देख के हम कैसे बता सकते हैं कि जो रूट्स के साइन है वो क्या होंगे। मैंने आपको कहा था कि अगर इक्वेशन के साइन माइनस प्लस हैं तो रूट्स के साइन जो वो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, दोनों रूट्स के साइन क्या होंगे हमारे पास, पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि ये जो रूट्स आए इनको डिवाइड करना हमने किसके साथ, एक्स के कोफिशियंट के साथ। ठीक है, इनको डिवाइड करना हमने किसके साथ, एक्स के कोफिशियंट के, आपके पास 12 और 12। तो यहां से आ जाएगा, एक रूट आ गया आपके पास एक्स का +2 और दूसरा आ गया आपके पास 1.33। ठीक है, दूसरा आ गया आपके पास 1.33। वही दूसरी इक्वेशन उठाइए, क्या है आपके पास, 8y² - 40y + 48। ठीक है, तो यहां से भी आपके पास रूट्स क्या आएंगे, 48 के तो क्या हो गए, 2 × 2 × 2 और 48 के क्या हो गए, 2 × 4 ये 12 × 24 × 48। रूट सेम ही आए हैं इसके। ठीक है, रूट के आगे इसके 24 और 16 ही आएंगे। रूट क्या आएंगे, 24 और 16। इक्वेशन के साइन क्या है, माइनस और प्लस हैं, तो रूट्स के दोनों साइन क्या होंगे आपके पास, पॉजिटिव होंगे। नेक्स्ट काम क्या करते थे हम कि एक्स के कोफिशियंट के साथ इनको डिवाइड कर देते थे। अगर एक्स का कोई कोफिशियंट है तो उसके साथ हम रूट्स को डिवाइड कर देते थे। डिवाइड किया हमने 8 से, तो यहाँ पे हमारे पास वाई के रूट्स आए 3 और 2। ठीक है, वाई के रूट्स क्या है, 3 और 2। नेक्स्ट काम होता था हमारा कंपैरिजन करने का। हमने एक्स को कंपेयर किया किससे, वाई के दोनों रूट्स के साथ। ठीक है, हमने यहां से क्या देखा कि एक्स जो है वो क्या है, पहले क्या है, एक्स इज लेस देन वाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एक्स इज इक्वल टू वाई है। ठीक है, जब इसको हमने पहले के साथ कंपेयर किया तो एक्स छोटा है, तो हमने बोल दिया कि एक्स जो है वो वाई से छोटा है। नेक्स्ट हमने देखा कि एक्स जो है वाई के इक्वल है। अब सेकेंड को कंपेयर करेंगे, इसमें क्या है, x इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है। तो यहाँ से क्या आ गया, x इज लेस देन y। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन क्या बना, लेस देन और इक्वल टू, ये रिलेशन बना हमारे पास, x इज लेस देन एंड इक्वल टू y। ठीक है, कैसे कंपेयर करते हैं हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास कंपेरिजन के बाद क्या आया, x इज लेस देन एंड इक्वल टू y और ऑप्शन आपके पास डी। ऑप्शन डी क्या हो गया यहाँ से, राइट आंसर। ये आपके पास एक क्वेश्चन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट भी इसको खुद से सॉल्व कीजिए, आसान सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, एलिमिनेशन वाले मेथड से होगा ये वाला क्वेश्चन, खुद से सॉल्व कीजिए एक बार और बताइए हमें कि क्या आंसर रहेगा इसका। खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आसान सा क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, एलिमिनेशन वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को, एक्स और वाई की वैल्यू जो आपने फाइंड आउट करनी है। ओके, डन।
स्टार्ट करें। यहां पे देखिए आपके पास क्या है, 9x माइनस 7y इक्वल टू 15। नेक्स्ट है आपके पास 3x माइनस y इक्वल टू माइनस 3। अब एलिमिनेशन कैसे यूज करते हैं हम, एलिमिनेशन हम यूज करते हैं कि किसी भी एक x या y के कोफिशियंट को हमने क्या करना है, इक्वल करना है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में हमने x या y के किसी एक टर्म को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनके कोफिशियंट को इक्वल करना पड़ेगा। तो यहां से हम कोफिशियंट को इक्वल करेंगे, सपोज हमने जो y के कोफिशियंट को इक्वल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 1 है, यहाँ 7 है, तो हम इक्वेशन को, इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये चीज जो आपने की हुई है, तो यहाँ से हमारे पास नई इक्वेशन क्या बनी, 9x माइनस 7y इक्वल टू 15। और यहाँ से नई इक्वेशन बनी हमारे पास 21x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 21। ठीक है, आगे सॉल्व कीजिए इनको, साइन चेंज कर दीजिए, माइनस प्लस प्लस 7y, उससे 7y कट गया, तो यहाँ से आपके पास आया माइनस का 21 11 12x। ठीक है, माइनस 12x इक्वल टू ये आया आपके पास 30x। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू कितनी आती है, माइनस 3। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, माइनस 3। ठीक है, माइनस 12 दूसरी साइड जाएगा तो x की वैल्यू आ गई माइनस 3। अब x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, सपोज इस इक्वेशन में हमने x की वैल्यू पुट कर दी, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3 3 माइनस 9 है ना, 3 3 माइनस 9 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3। 9 को दूसरी साइड लेके जाइए तो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 9, तो यहाँ से y आ जाएगा आपके पास माइनस का 6। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आई, माइनस 3, y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, माइनस 6। अब माइनस 3 बड़ा होता है या माइनस 6 बड़ा होता है, ठीक है, तो हमें पता है कि माइनस में जो वैल्यू छोटी होती है, ठीक है, वो एक्चुअल में बड़ी होती है। ठीक है, तो माइनस 3 जो है वो माइनस 6 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ से रिलेशन क्या बना, x इज ग्रेटर देन y, रिलेशन क्या बना यहाँ से, x इज ग्रेटर देन y। तो ये आ गया आपके पास ऑप्शन ए क्या हो गया यहाँ से राइट आंसर। ये सेवंथ क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसको खुद से करने की कोशिश कीजिए एक बार, है ना, कीजिए इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे हम, ठीक है, करके देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, फर्स्ट इक्वेशन क्या बोलती है, एक्स स्क्वेयर प्लस 5√7, ठीक है, 5√7 प्लस 42 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें क्या करना हमें कि रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहली बात, इक्वेशन के साइन क्या दोनों पॉजिटिव हैं, रूट्स के दोनों साइड के होंगे, क्या होंगे, दोनों के दोनों साइन नेगेटिव होंगे। नेक्स्ट इक्वेशन क्या आपके पास, वाई स्क्वेयर प्लस 6√7y प्लस 56 इक्वल टू 0। इक्वेशन के साइन पॉजिटिव हैं, तो y के जो दोनों रूट्स आएंगे वो माइनस में आएंगे। ठीक है ना, ये जो मैंने टेबल पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि ये कैसे हमने रूट्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, इक्वेशन के साइन को देख के हम कैसे बता सकते हैं कि रूट्स के साइन क्या होंगे। ठीक है, तो रूट्स के साइन दोनों नेगेटिव नेगेटिव आएंगे। अब हम रूट्स निकालेंगे। ठीक है, रूट्स निकालने के लिए क्या है कि 42 को आपने कहना है, 42 के फैक्टर्स क्या आए गए यहाँ से हमारे पास, यहाँ से 42 के फैक्टर्स आए आपके पास 2 7 2 14, ये आ गया आपके पास। ठीक है, ये आ गया आपके पास किसके फैक्टर्स आ गए, 42 के फैक्टर आ गए। अब यहाँ से हमें क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स कैसे निकलेंगे, पहला रूट आएगा आपके पास 3√7 और दूसरा रूट आएगा आपके पास 2√7। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 42 आएगा और इन दोनों को ऐड करोगे तो 5√7 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो पहला रूट क्या आया आपके पास, 3√7 और दूसरा रूट क्या आया, 2√7। ठीक है, ये दो रूट आ गए। वैसे सिमिलर आपने इसमें करना है। ठीक है, सिमिलर आपने इसमें करना है, 56 को फैक्टराइज कीजिए, 56 के प्राइम फैक्टर्स आते हैं आपके पास 2 4 2 8 और 8 7 56। ठीक है, तो यहां से हमारे पास रूट क्या आ गए, पहला रूट आया आपके पास 2√7 और दूसरा रूट आया आपके पास 4√7। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, आपने रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए आपने रूट्स को कंपेयर करना शुरू कर देना है।
तो x का पहला रूट है माइनस थ्री अंडर रूट सेवन, ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे y के पहले रूट के साथ। तो ये देखिए आप, माइनस का थ्री है, ये माइनस का टू है, मीन्स पहले क्या बोल रहे हो कि x इज लेस देन y है, ठीक है, पहला कंपैरिजन क्या बोल रहा है कि x इज लेस देन y है। सेकंड कंपैरिजन देखिए, यहाँ माइनस फोर है, यहाँ माइनस थ्री है, इसमें क्या बोल रहा है कि x जो है वो ग्रेटर देन y है, ठीक है। अब अगर ये साइन जो है आपके पास ग्रेटर देन और लेस देन के आगे कंपैरिजन में, तो आपने वहीं से क्या कर देना है, ठीक है, उससे आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है फिर, ठीक है। अगर इस तरह से अपोजिट साइंस आ जाते हैं तो आपने सीधे ऑप्शन डी पे क्या कर देना है, टिक लगा देना है कि ऑप्शन डी क्या होगा, यहाँ से आपके पास राइट आंसर होगा, ठीक है। कंपैरिजन में अगर ग्रेटर देन और लेस देन दो ऐसे साइंस आ जाते हैं, ठीक है, ऑपोजिट साइंस आ गए आपके पास, तो आपने क्या कर देना है, सीधे ऑप्शन डी पे टिक कर देना है कि ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा कि एक्स और वाई या तो इक्वल होंगे या हम उनके बीच का रिलेशन जो वो इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर एट, टू नंबर्स, ये प्रॉब्लम ऑन नंबर्स से क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, जो प्रॉब्लम ऑन नंबर्स वाला चैप्टर है उससे क्वेश्चन है कि नंबर्स से रिलेटेड हमारे पास किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसमें करना कुछ नहीं होता है आपने, ठीक है, इसमें आपने करना कुछ नहीं होता है, जो आपको स्टेटमेंट दी है उन स्टेटमेंट्स को क्या करना है आपने, सिर्फ है ना अरेंज करना है उन स्टेटमेंट्स को। तो कैसे अरेंज करते हैं स्टेटमेंट्स को, कि आपको बोला है कि दो नंबर्स हैं आपके पास ए और बी, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा कि हम स्टेटमेंट्स को अरेंज कैसे करते हैं, है ना, कि दो नंबर्स हैं ए और बी, ठीक है, उन दोनों नंबर का सम, उन दोनों नंबर्स का सम, ठीक है, उन दोनों नंबर्स का सम जो है वो किसके इक्वल है, 5% ऑफ ए, ए का 5%, मतलब 5% कितना हुआ ए का, 5/100 गुणा ए, ठीक है, प्लस 4%, मतलब 4/100, ठीक है, ए का 5%, बी का 4%, उनका सम, ठीक है, उन दोनों को जब हमने ऐड कर दिया तो वो किसके इक्वल होगा, 2/3 सम ऑफ, किसका सम, 6% ऑफ ए। तो ए का 6% क्या होगा आपके पास, 6/100 इंटू ए, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 8% ऑफ बी, कि बी का 8% कितना होगा, 8/100 ओवर बी। तो ये आपके पास होगी स्टेटमेंट्स रेंज। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करनी है इनकी रेशियो। तो रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां से क्या आएगा आपके पास, 5a प्लस 4b डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, यहां से क्या आएगा आपके पास, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6a प्लस 8b डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 3 को आप इस साइड ले आ जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 साइड आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 15a प्लस 12b इज इक्वल टू 12a प्लस 16b, ठीक है। अब a वाली टर्म्स को एक साइड कर दीजिए, b वाली टर्म्स को दूसरी साइड कर दीजिए, तो यहाँ से आगे कैसे सॉल्व होगा, ये 15-12 कितना आ जाएगा आपके पास, 3a, ठीक है, ए वाली टर्म को इस साइड लेके गए, बी वाली टर्म को साइड लेके गए, तो ये आ जाएगा आपके पास 4b, ठीक है। अब हमको क्या निकालनी है, रेशियो, बी को इस साइड ले आइए, तो ये क्या बन गया, a ओवर b इज इक्वल टू 4/3, तो रेशियो में क्या आ जाएगा, ये a रेशियो b कितनी आ जाएगी आपके पास, 4:3, ठीक है, फ्रैक्शन में ये रेशियो में हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, फ्रैक्शन में 4/3 है, तो रेशियो में आ गया ये 4:3, तो ऑप्शन डी क्या हो गया यहाँ से हमारे पास राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन में आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और उनको अरेंज करना है सिर्फ बस, ठीक है, उसके बाद जो सिंप्लीफिकेशन है आपने वो यूज़ करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपका स्पीड वाले चैप्टर से है, ठीक है, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड वाले चैप्टर से। इसमें क्या है कि दो साइकिलिस्ट हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक जो वो 9 km/h की स्पीड से चल रहा है, दूसरा जो वो 10 km/h की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। तो इफ वन टेक्स 32 मिनट्स मोर देन द अदर टू कंप्लीट द जर्नी देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, एक पर्सन जो होगा दूसरे पर्सन से क्या कर रहा है, 32 मिनट्स ज्यादा ले रहा है, ठीक है, तो ज्यादा टाइम कौन लेगा, जिसकी स्पीड कम होगी,
ठीक है, जो कम स्पीड से चलेगा वो डिस्टेंस को कवर करने में ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है, जो ज़्यादा स्पीड से चलेगा वो कम टाइम लेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको दिया क्या है, टाइम का डिफरेंस दिया है, ठीक है, डिस्टेंस सेम है, दोनों की स्पीड दी है और साथ में क्या दिया आपको, टाइम का क्या दिया आपको, डिफरेंस दिया है। आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, दिया क्या आपको, टाइम का डिफरेंस। तो पहला पर्सन जो वो कितना टाइम लेगा, हमने मान लिया कि डिस्टेंस डी है, तो टाइम कैसे निकालते हैं हम, डिस्टेंस ओवर स्पीड, ये पहले पर्सन का टाइम आ गया, माइनस दूसरे पर्सन का टाइम कितना आएगा आपके पास, डिस्टेंस सेम है, डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है इसकी 10, और इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया, टाइम का डिफरेंस आपको 32 मिनट्स, 32 मिनट्स को चेंज करना आपने किस में, आर में, तो आर में चेंज करेंगे तो 60 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ गया आपके पास 90, यहाँ से आ गया आपके पास 10d-9d इज इक्वल टू 32/60, तो यहाँ से आपके पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस आ गया आपके पास यहाँ से 32/60 × 90, ये 2 से कट गया, ये 3 से कट गया 16, और ये आ गया आपके पास 48 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस कितना आ गया आपके पास 48 किलोमीटर, ठीक है, 48 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट ये आपके पास क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हमने किया भी था एक पिछले मॉक टेस्ट में, ठीक है, पिछले मॉक टेस्ट में क्या किया था, इस तरह का क्वेश्चन किया भी था हमने। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है कि आपके पास 9600 सोल्जर हैं, ठीक है, 9600 सैनिक जो हैं वो 45 दिनों के लिए उनके पास जो है वो पर्याप्त भोजन है, ठीक है, 55 दिनों के लिए उनके पास पर्याप्त भोजन है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि अगर वो 15 दिन के बाद 3600 सैनिक जो हैं वो छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, तो आपको बताना है कि रेस्ट जो आपके पास फूड बचा है वो और कितने दिन चलेगा, ठीक है। पिछली बार जब मैंने क्वेश्चन किया था तो उसमें आपको क्या बताया था कि उसमें आपको क्या बताना था कि सैनिक कितने छोड़ के गए थे, उसमें आपको बताया था कि रेस्ट फूड जो वो कितने दिन के लिए चलेगा, लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना था, ये वाले सैनिक का फाइंड आउट करने थे, ठीक है। इसमें आपको क्या सोल्जर्स दिए हुए हैं, आपको डेज फाइंड आउट करने हैं, तरीका वही रहेगा आपके पास, ठीक है, तरीका वही है कि 9600 आपके पास क्या है सैनिक हैं, वो क्या कर रहे हैं 55 दिन में एक राशन खत्म कर रहे हैं, ठीक है, एक राशन को वो 55 डेज में खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हो रहा है कि 15 दिन के बाद जाते हैं 3600 सैनिक छोड़ के, मींस 15 दिनों तक हमारे पास, ठीक है, जो 15 दिनों तक हमारे पास जो खाना खाने वाले कितने सैनिक होंगे, इतने ही होंगे। नेक्स्ट जब 3600 छोड़ के चले गए, ठीक है, 3600 छोड़ के चले गए, तो अब हमारे पास कितने बच रहे हैं 6000 सैनिक, ठीक है, और खाना कितने दिन चलेगा हमें नहीं पता भाई, ठीक है, क्यों नहीं पता है, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, फाइंड आउट करना है आपने यहाँ से, तो बस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 9600, और ये साइड माइनस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको 9600 कॉमन आ जाएगा, -15 डिवाइडेड बाय, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इस साइड डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 9600 × 55 से आपके पास 15 गए तो आपके पास बचे 40, डिवाइड कर दिया आपने 6000 के साथ, 2 जीरो से 2 जीरो, तीसरी जीरो से तीसरी जीरो, 6 × 1 = 6, 36, और ये आ गया आपके पास 64 डेज। जो बाकी का खाना जो है वो कितने दिन चलेगा आपके पास 64 दिन, ठीक है, बाकी का जो रेस्ट बचा वो खाना वो कितने दिन चलेगा 64 दिन। आपको इससे सिंपली एक और तरीके से भी कर सकते हो कि आपने क्या देखा कि 15 दिन के बाद, ठीक है, 15 दिन के बाद कितने सैनिक होंगे हमारे पास, ठीक है, 15 दिन के बाद कितने सैनिक है हमारे पास, सॉरी 9600 × 40 = 6000 × इस तरह से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9600 × 40/6000, तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा 64 डेज, कितना आ गया आपके पास यहाँ से 64 डेज, ठीक है, ये आ गया आपके पास आंसर।
नेक्स्ट ये आपके पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है इलेक्शन वाले से कि दो कैंडिडेट्स के बीच में क्या हो रहा है, इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, दो कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन हो रहे हैं, एक को कितने वोट मिल रहे हैं, 55%, ठीक है, 55% कौन से वोट्स मिल रहे हैं, वैलिड वोट्स, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि 20% ऑफ वोट्स आर इनवैलिड, कि जितने टोटल वोट पड़े उसमें से 20% वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, ठीक है, है ना, वो काउंट नहीं हुए। तो आपको क्या बताना है कि अगर टोटल जो है वो 7500 वोट पड़ रहे हैं तो जो दूसरा कैंडिडेट है उसको कितने वोट्स पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो टोटल वोट्स कितने आपके पास, 7500, ठीक है, ये 7500 वोट जो है ये वैलिड और इनवैलिड दोनों का क्या है, ठीक है, वैलिड और इनवैलिड दोनों वोट्स है इसमें, टोटल वोट्स कितने पड़े, 7500 वोट पड़े। अब वो बोल रहा है कि 7500 में से 20% के आपके पास इनवैलिड है, ठीक है, 20% के आपके पास इनवैलिड है, तो 7500 का 20% कितना हो गया आपके पास, 1500, ठीक है, 1500 वोट अगर इनवैलिड है तो वैलिड कितने होंगे, ठीक है, 1500 वोट अगर इनवैलिड है आपके पास तो वैलिड वोट कितने होंगे, 6000, ठीक है, 6000 वोट के आपके पास वैलिड हैं, ठीक है, मतलब जो वैध वोट हैं आपके पास वो कितने हैं, 6000 वोट हैं। अब इस 6000 में से 55% वोट जो वो किसको पड़े, जीतने वाले कैंडिडेट को, ठीक है, तो 6000 का 55% कितना होता है, 6000 का 55% कितना हो गया आपके पास, यह हो गया आपके पास 6 × 30 और 3 = 33, ठीक है, कि जीतने वाले कैंडिडेट को कितने वोट पड़े, 3300 वोट, ठीक है, 6000 में से 3300 वोट अगर जीतने वाले कैंडिडेट को पड़ रहे हैं तो जो दूसरा कैंडिडेट है, ठीक है, उसको कितने वोट पड़े होंगे, 6000 माइनस 3300 कर दो, ठीक है, तो ये आ जाएंगे आपके पास 2700 वोट, कि दूसरे कैंडिडेट को कितने वोट पड़े होंगे आपके पास, 2700 वोट, तो ऑप्शन ए क्या हो गया आपके पास राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये तो आसान सा क्वेश्चन है ना, प्रॉब्लम ऑन एजेस वाले चैप्टर से, एजेस वाले काफी ज्यादा क्वेश्चंस किए हुए हमने, तो खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को कि कैसे होगा ये, ठीक है, 30 सेकंड्स में या 15 सेकंड में जो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है कि आपको क्या है कि ए और बी की प्रेजेंट एज दी है, कितनी दी है, 60 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपको कह दिया कि 12 साल पहले जो उनकी एज थी उनकी रेशियो दी हुई है, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, ए की प्रेजेंट एज की वर्तमान आयु कितनी है ए की, ओके, डन, ठीक है, तो डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन को, ठीक है, डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन को। इसमें क्या है कि ए और बी की क्या दी आपको, प्रेजेंट एज का सम दिया है, ठीक है, कि ए और बी की प्रेजेंट एज जो वर्तमान आयु है उनका सम, उनका योग कितना है, 60 साल, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या बोला है कि 12 साल पहले, ठीक है, 12 साल पहले उनकी एज की रेशियो कितनी थी आपके पास, 5:4, ठीक है, ये 12 साल पहले की बात है। तो हम ये बता सकते हैं कि 12 साल पहले उनकी एज का सम कितना होगा, ठीक है, हम ये बता सकते हैं कि 12 साल पहले उनकी एज का सम कितना होगा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर अभी उनकी एज का सम 60 है, ठीक है, तो 12 साल आपने ए के माइनस कर लिए, ठीक है, और 12 ही साल आपको बी के भी माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है, अगर 12 साल आप ए के माइनस कर रहे हो तो 12 साल आपको बी के भी माइनस करने पड़ेंगे, तो यहां से आपके पास कितना आएगा, 60 − 24 = 36 ईयर्स, कि 12 साल पहले उनकी एज का सम कितना था, 36 ईयर्स, ठीक है, रेशियो में सम कितना आपके पास, 9 ईयर्स, ठीक है, रेशियो में सम में आपका 9 ईयर्स, एक्चुअल में सम कितना है, 36 ईयर, तो हम बोल सकते हैं कि 9:36 जो वो 36 के इक्वल होगी, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि 9:36 जो किसके इक्वल होगी, 36 के इक्वल होगी, तो 1 किसके इक्वल होगा, 36/9 = 4, ठीक है, 1:36 किसके इक्वल होगी, 4 के इक्वल, तो यहां से 4:36 किसके इक्वल आ जाएगी, 20 साल, ठीक है, और ये वाली जो बी की रेशियो है ये कितनी आ जाएगी, 16 साल,
अब ये क्या चीज आई है आपके पास, ये कौन सी एज आई है? ये एज आई है 12 साल पहले की, ठीक है, कि 12 साल पहले ए जो था वो 20 साल का था और बी जो था वो 16 साल का था। पूछा क्या आपसे? प्रेजेंट एज पूछिए, तो प्रेजेंट एज में क्या करोगे आप, 20 साल में 12 साल और ऐड कर दोगे, तो 20 और 12 कितने हो गए आपके पास, 32, ठीक है। तो प्रेजेंट एज कितनी आ गई आपके पास, 32 ईयर्स, ए की प्रेजेंट एज कितनी आ गई आपके पास, 32 साल, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है आपका बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन से, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन से है। इसमें क्या आपके पास कि एक आदमी जो वो 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है ना, कितना टाइम लेता है वो, 3 घंटे। नेक्स्ट कि एक आदमी जो है वो 2 किलोमीटर अपस्ट्रीम आ रहा है, ठीक है, ऊपर वाली दिशा में, कितने घंटे में, 2 घंटे में। आपको क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, ठीक है, डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो, बिल्कुल, स्पीड का फॉर्मूला होता है आपके पास डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी आपके पास, डिस्टेंस कितना है 4, टाइम कितना है 3। हमने बोल दिया डाउन स्ट्रीम स्पीड जो वो 4/3 किलोमीटर पर आवर जो आपके पास डाउन स्ट्रीम स्पीड है। अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी आपकी, यहां से डिस्टेंस कितना है 2, टाइम कितना लगा 2 घंटे, तो कितनी आ गई आपके पास, ये 2/2, ठीक है, ये आ गया आपके पास 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से देखिए, आपके पास डाउनस्ट्रीम स्पीड भी आ गई, आपके पास अपस्ट्रीम स्पीड भी आ गई है। आपको क्या बोला है कि अगर अगर क्या करना है, बोट को 8 किलोमीटर का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, लेकिन किस में, ठहरे हुए पानी में, ठीक है, ठहरे हुए पानी में। ठहरे हुए पानी में बोट की स्पीड कितनी होती है, जो बोट की एक्चुअल स्पीड होती है, ठीक है। तो ठहरे हुए पानी में बोट की स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, ठीक है, स्टिल वॉटर में बोट की स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। स्टिल वॉटर में बोट की स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ जाएगा आपका यहां से, 4/3 + 1/2, तो ये आ जाएगी आपके पास 7/6, ठीक है, 7/6 किलोमीटर पर आवर, ये आ गई आपके पास बोट की स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस दिया है, स्पीड दी है, निकालना क्या है, टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस कितना है 8, स्पीड कितनी है 7/6, तो ये आ गया आपके पास 8 × 6/7 = 48/7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट 7 आवर्स आ गए। तो ऑप्शन में आपके पास 48/7 कहीं भी नहीं है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन यहां से, ठीक है, नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहां से आपके पास राइट आंसर। नेक्स्ट, ये आपके पास 14th क्वेश्चन है, पाइप एंड सिस्टर्न वाले चैप्टर से है, और आसान सा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, ठीक है। बोला क्या गया है कि 2 पाइप्स हैं आपके पास ए और बी, ठीक है, 2 पाइप्स हैं आपके पास ए और बी, ठीक है। ए क्या करता है, टैंक को 12 घंटे में फुल करता है, वही बी जो वो 1 दिन में फुल करता है, ठीक है। ए जो है वो एक टैंक को अगर 12 आवर में फुल कर रहा है, तो बी 1 दिन में, 1 दिन मतलब कितने आवर्स, 24 आवर्स, ठीक है ना। अगर ये 12 घंटे ले रहा है, तो इसको भी हमने क्या, यूनिट सेम करने, वहाँ 1 डे है, 1 डे को आवर में चेंज किया आपने, तो कितने आ गए, 24 आवर्स। नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, कि एक पाइप और है आपके पास सी, ठीक है, सी क्या कर रही है, टैंक को एम्प्टी करने का काम कर रही है, ठीक है, वो टैंक को खाली कर रही है, कितने घंटे में खाली कर देती है वो टैंक को, 10 घंटे में खाली कर देती है, ठीक है। सी एक पाइप है, वो टैंक को 10 घंटे में खाली कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, ए बी सी का आपको क्या है, टाइम दिया हुआ है कि ए जो है वो उस टैंक को इतने में भरेगा, बी जो इतने में भरेगा, और सी जो है वो इतने में खाली कर देगा। तो सबसे पहला काम क्या हमारा, टोटल वर्क फाइंड आउट करना, ठीक है। टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, इनका एलसीएम ले लेंगे हम, ठीक है। टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम आएगा आपके पास 120, ठीक है, इनका एलसीएम आएगा आपके पास 120, 12, 24, 10, 24, 5, हाँ 120 आएगा इनका एलसीएम आपके पास, ठीक है। यहां से हम इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, ठीक है, ए बी और सी की एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम निकाल सकते हैं, कि अगर बी जो वो 12 घंटे में 120 लीटर टैंक भर रहा है, तो एक घंटे में कितना भरेगा वो, 10 लीटर, ठीक है। वहीं बी की एफिशिएंसी निकालेंगे हम, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आई 5, और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 12, ठीक है, सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 12। नेक्स्ट क्या बोला है, कि इफ पाइप सी इज ओपन्ड आफ्टर 3 आवर्स, ठीक है,
अगर पाइप सी को 3 घंटे के बाद खोला जाता है, ठीक है, पाइप सी को अगर 3 घंटे के बाद खोला जाता है तो आपको क्या बताना है कि टैंक को फुल होने में कितना टाइम लगा। ठीक है, आपको क्या बताना है कि टाइम को सॉरी टैंक को फुल होने में कितना टाइम लगा। अगर पाइप सी जो वो 3 घंटे के बाद खुल रही है, इसका क्या मतलब है कि पहले 3 घंटे तक किसने काम किया होगा, सिर्फ ए और बी ने, और ए और बी का टोटल काम कितना है ना, 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं वो, 15, तो 3 घंटे में कितना काम करेंगे वो, 3 × 15 = 45। ठीक है, मीन्स 45 यूनिट काम जो उन्होंने खत्म कर दिया है 3 घंटे में। ठीक है, 3 घंटे में 45 काम खत्म कर दिया है, टोटल काम कितना आपके पास 120। अगर 45 खत्म हो गया तो काम कितना बचा, 75 काम बचा है, और ये 75 काम कौन करेगा, अब ए बी और सी दोनों मिलके। अब यहां से देखिए, ए और बी ने क्या किया, 15 काम किया। ठीक है, सी उसको खाली कर रही है ना, सी उसको खाली कर रही है, तो खाली करने वाले को हमने क्या कर दिया, माइनस। मीन्स अब 1 घंटे में कितना काम हो रहा है, सिर्फ 3 यूनिट काम हो रहा है। ठीक है, 1 घंटे में कितना काम हो रहा है, 3 यूनिट काम हो रहा है, तो 75 काम कितने घंटे में खत्म होगा आपके पास, 25 आवर में। ठीक है, पहले 3 घंटे में ये काम खत्म हो गया, अगला काम जो 25 घंटे में खत्म हो गया, तो टोटल टाइम कितना लगा, 3 और 25 28 घंटे टोटल काम लगा, सॉरी टोटल टाइम लगा आपके पास 28 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि आपको बोला है कि आपको ईंट है, ठीक है, ईंट की मेजरमेंट दी है और आपको एक वॉल की मेजरमेंट दी है। ठीक है, एक दीवार की मैनेजमेंट दी सॉरी मेजरमेंट दी है आपको, और एक आपको ईंट की मेजरमेंट दी है, और आपको क्या बोला है कि इस मेजरमेंट की दीवार को बनाने के लिए आपके पास कितनी ईंटें लगेंगी। ठीक है, कितनी ईंटें लगेगी, मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, इससे हम नंबर ऑफ ब्रिक्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वॉल्यूम से। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि जितनी ईंटें उस दीवार को बनाने में लगी उसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, दीवार के वॉल्यूम के कुल। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एन नंबर ऑफ ब्रिक्स का जो वॉल्यूम है, ठीक है, एन नंबर ऑफ ब्रिक्स का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ वॉल के इक्वल होगा। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि जितनी ईंटें लगी उस दीवार को बनाने में, उन सभी ईंटों का वॉल्यूम जो है वो इस दीवार के वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, बोल सकते हैं हम कि इनका आयतन जो है वो इसके आयतन के बराबर होगा। ठीक है, हमने इनको इक्वल कर दिया। अब डायमेंशन क्या दिया आपको, 25 और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ दी है, ब्रेथ दी है, हाइट दी है, मींस ईंट की शेप कैसी होगी हमारे पास, क्यूबॉइडल शेप होगी। ठीक है, कैसी होगी, घनाभ वाली शेप होगी, ये क्यूबॉइडल शेप होगी आपके पास। ठीक है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो क्या आ गया आपके पास, एन इंटू 25 × 11.25 × 6। ठीक है, इक्वल टू वॉल्यूम क्या आपके पास, 8 × 6 × 24.5। ठीक है, अब ये जो एरिया वाला चैप्टर है इसमें सबसे मेन चीज क्या होती है ध्यान में रखने वाली, यूनिट्स। ठीक है, यूनिट जो है वो सेम होने चाहिए हमेशा। हमने क्या देखा कि इनके यूनिट्स क्या है, सेंटीमीटर्स में है, इन दोनों के यूनिट मीटर में है, लेकिन इसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, या तो यूनिट्स को सेंटीमीटर्स में कर दीजिए सबको, या तो आप मीटर में चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, 25 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, 100 से डिवाइड कर दिया, इसको 100 से डिवाइड कर दिया, इसको 100 से डिवाइड कर दिया, ये पहले से मीटर में, इसको 100 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आपके पास एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 × 6 × 22.5 / 100 × 100 × 100, और यहाँ से डिवाइड में और क्या आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास डिवाइड में आ जाएंगे, 25 × 11.25 × 6। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, 11.25 × 6 से 6 कैंसिल, तो ये कितना आ गया आपके पास, 25 × 25, 25 × 100, तो ये आ गया आपके पास 8 × 16, 16 × 64,
तो आपके पास एन कितनी आ गई, 6400, मीन्स इस डायमेंशन की 6400, ठीक है, 6400 ब्रिक्स जो वो यूज होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट क्या आपके पास, नेक्स्ट ये आपके पास होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है ट्रेन वाले चैप्टर से, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, खुद से करना है आपने। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताना है हमें कि इसके क्या आंसर रहे। ठीक है, इसमें क्या है कि दो ट्रेन्स हैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है, और एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करी हुई 27 और 17 सेकेंड्स में, तो आपको क्या बताना है कि 20 रेशियो बतानी है आपको उनकी स्पीड्स की। नेक्स्ट ये आपके पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका मेंसुरेशन वाले चैप्टर से, ठीक है, जो एरिया वॉल्यूम वाला चैप्टर है उस चैप्टर से, तो ये क्वेश्चन भी आपने खुद से करना है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या है, होमवर्क है। तो ये तो हमारा आज का सेशन, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा कि आपको जो वो आज के सेशन में सभी क्वेश्चन जो वो समझ आ गए हैं। ठीक है, कल के सेशन में हम फिर से एक मॉक टेस्ट लेके आपके सामने आएंगे, तो तब तक के लिए आपने क्या करना है, इन दो जो होमवर्क के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना है, और कल के सेशन में फिर से मिलेंगे एक नए मॉक टेस्ट के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।